नमस्कार, मेरा नाम है आयुष शर्मा। मेरे साथ देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। और आपको बता दें कि गाजियाबाद के डासदा देवी मंदिर के स्वामी यति नरसिंहानंद सरस्वती जी की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अपने विवादित बयानों के लिए हमेशा सुर्खियां बटोरने वाले स्वामी यति नरसिंहानंद सरस्वती जी ने फिर से एक बार दिल्ली के बुराड़ी में एक विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर हिंदू संगठित नहीं होते तो 2029 में, नहीं तो 2034 में एक बार देश में कोई मुसलमान प्रधानमंत्री बनेगा और उसके बाद जितने भी हिंदू हैं उन सब का नरसंहार कर दिया जाएगा। इस विवादित बयान के बाद उनके ऊपर एक FIR भी दर्ज हो चुकी है। और आपको बता दें कि इस पूरे मामले में कुछ बड़ी बातें भी सामने आई हैं। बताया ये जा रहा है कि जो ये आयोजन किया गया था, एक हिंदुओं का संगठन है जिसने ये आयोजन किया था, उनके ऊपर FIR दर्ज हुई है कि उन्होंने बिना पुलिस की इजाजत के इतना बड़ा आयोजन राजधानी दिल्ली के बुराड़ी ग्राउंड में रखा गया, जिसमें पत्रकार सुरेश चव्हाण के सहित कई ऐसे लोग भी आए जो जानी मानी हस्तियां हैं। स्वामी यति नरसिंहानंद सरस्वती जी भी आए और उन्होंने भी यहाँ पर कई ऐसे बयान दिए जिसको विवादित कहा जा रहा है। इसके अलावा जो बड़ी बात सामने आई है वो ये है कि दो पत्रकारों के साथ भी मारपीट की गई और उनको केवल इसीलिए मारा गया क्योंकि वो दूसरे संप्रदाय के थे, दूसरे समुदाय के थे, इसलिए उनके साथ मारपीट की गई। उन पर ये आरोप लगाया गया कि वो इस पूरी सभा को बदनाम करने के इरादे से यहाँ पर आए हैं, उनको यहाँ पर आने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, इसके चलते उनके साथ मारपीट की गई, उनका कैमरा भी तोड़ा गया। और इसके अलावा एक महिला पत्रकार शिवांगी सक्सेना के साथ भी मारपीट करने के और उनको प्रताड़ित करने के आरोप लगाए गए हैं। हालांकि जो उत्तर पश्चिम जिले की DCP हैं उषा रंगनानी, उन्होंने बताया है कि 3 FIR इस पूरे मामले में दर्ज हो चुकी है, जिसमें से 1 FIR स्वामी यति नरसिंहानंद सरस्वती जी के ऊपर भी दर्ज हुई है। आपको बता दें कि उन्होंने पहले भी एक ऐसा ही विवादित बयान दिल्ली के जंतर मंतर से दिया था जहां पर उन पर पहले FIR दर्ज हुई थी और उसके बाद राजधानी दिल्ली में ये दूसरी FIR है जो उनके ऊपर दर्ज हुई है। वो अपने विवादित बयानों को लेकर हमेशा से ही सुर्खियों में रहे हैं। इसके अलावा सुदर्शन न्यूज के पत्रकार सुरेश चव्हाण के ऊपर भी यहां पर एक FIR दर्ज की गई है, उनके ऊपर भी विवादित बयान देने के आरोप लगे हैं। हिंदूवादी पत्रकार सुरेश चव्हाण को ये भी हमेशा सुर्खियों में रहते हैं क्योंकि वो भी हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू की बात करते हैं और कहीं ना कहीं वो एक विशेष संप्रदाय को टारगेट करते हुए कुछ न्यूज की हेडलाइंस इस प्रकार से बताते हैं जो शायद एक वर्ग विशेष को पसंद नहीं आता और उसके चलते उनके ऊपर भी चाहे महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो या उत्तर प्रदेश हो, कई FIR दर्ज हो चुकी है। हालांकि बड़ी बात यह है कि पुलिस की जानकारी के बिना इतना बड़ा आयोजन राजधानी दिल्ली के बुराड़ी ग्राउंड जैसी फेमस जगह पर हो जाता है, पुलिस वहां पर खड़ी देखती रहती है जब पत्रकारों के साथ मारपीट की जाती है, तो कहीं ना कहीं पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर भी बहुत बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो रहा है कि अगर कोई पत्रकार सच दिखाने की कोशिश करता है या कोई चीज उन्हें विवादित लगती है तो उसको उसी प्रकार से बताने की कोशिश करता है तो उनके साथ मारपीट की जाती है, उनका कैमरा तोड़ दिया जाता है, धक्का मुक्की करके उन्हें बाहर, यहां से जो आयोजन का स्थल था वहां से फेंक दिया जाता है। और इसके अलावा महिला पत्रकार शिवांगी सक्सेना के साथ भी बदसलूकी की जाती है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही बड़े आरोप यहां पर लग रहे हैं। अब इसके द्वारा क्या जो जानकारी है वो दिल्ली पुलिस देगी और क्या जो अपने बचाव में जो वहां पे सभा आयोजित कर रहे थे, जो आयोजक थे, वो लोग क्या कहेंगे, ये देखने वाली चीज होगी। और इस पूरे घटनाक्रम के बारे में आपके क्या विचार है ये आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। क्या आप उन लोगों का समर्थन करते हैं जो इस प्रकार से बयानबाजी करते हैं या फिर उन लोगों का आप लोग विरोध करते हैं जो धार्मिक नारे लगाते हैं, धार्मिक बयानबाजी करते हैं? जो कुछ आपके विचार है वो आप खुलकर हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। इसके अलावा आपके पास कोई भी खबर हो जो आपके क्षेत्र से जुड़ी हुई हो, तमाम छोटी बड़ी खबरें आप हमें दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी पहुंचा सकते हैं। तब तक के लिए लेते हैं आपसे अलविदा और साथ ही आपको बताएं कि आप हमारे चैनल स्वराज मीडिया नेटवर्क को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप अपने क्षेत्र से जुड़ी कोई भी खबर को मिस ना करें।